मैनेज करने के लिए हम उसका RDP लेंगे, रिमोट मैनेजमेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसको VM में जाके हम VM की IP देखेंगे कि आपके पास जो वर्चुअल मशीन है उसकी वर्चुअल मशीन की पब्लिक IP क्या है। सबसे पहले तो ये हम चेक करेंगे, वर्चुअल मशीन में जाते हैं, सबसे पहले वर्चुअल मशीन में जाके उसकी पब्लिक IP चेक करते हैं। ये वर्चुअल मशीन हमने टेस्ट के लिए हमने बनाई थी, उस वर्चुअल मशीन में जाके हम उसकी पब्लिक IP चेक करते हैं कि उसकी पब्लिक IP क्या थी। ये वर्चुअल मशीन की डिटेल हमारे पास आ गई, तो हम इसकी पब्लिक IP चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पब्लिक IP क्या है। उसकी पब्लिक IP ये, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और हम RDP अपने विंडोज की जो यूटिलिटी है रिमोट डेस्कटॉप की, हम उसके अंदर पुट करते हैं। और जैसे हम इसको पुट करके कनेक्ट करते हैं तो ये हम अपनी मशीन को रिमोटली लॉग इन कर पाएंगे। ये आपसे वो जो आपने इसके अंदर क्रेडेंशियल सेट किए थे वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे आप इस मशीन को लॉग इन करेंगे तो आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ था वो आपके सामने इधर आ जाएगा। आपने अगर पे एक मशीन क्रिएट की थी, मशीन बनाई थी, और वो मशीन को आपने RDP लेके आप अपने लोकली लैपटॉप से या लोकली PC से आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, और जो भी आपने परफॉर्म टास्क करना है आप वहाँ से इजीली उसको टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके पास वो मशीन जो आपने क्लाउड Azure Cloud से बनाई है।